हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ चुकी है, मैथ्स भी आ चुकी है, तो अब फिजिक्स की बारी है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज है हमारा न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डिके की इक्वेशन। ठीक है, नमस्कार नमस्कार, भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 7.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आदि, विकास, सुमित, तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज का लेक्चर मैं लेने वाला हूं। ठीक है, आज लास्ट लेक्चर है, तो सर ने कहा कि आ जाते हैं आज का लेक्चर लेने के लिए, तो चलते हैं आगे, समय हमारे पास कम है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या होता है, जरा ध्यान से पढ़ें। देखो, जब तक आप लाइनें ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, समझ ही नहीं आएंगी, है ना। तो लाइनें जरा ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहे हैं। द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड एक्टिव एटम्स या पेरेंट एटम। क्या लिखा ये? प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, क्या मतलब होता है इसका? और ये एन इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे आता नहीं है, चिंटू या बुलाना पड़ेगा। चिंटू या जरा, हाँ, ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? रिफंड बोल रहे हैं। अरे ये तो सिंपल, हाँ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है भाई। देखो, देख रहे हो आज क्या गजब हो जा रहा है, बताओ। ओ भाई, बोले आज ये बाकी छोड़ के बाकी सब लोग आ गए, मेन आइटम गायब है। हाँ हाँ हाँ, एन नॉट से लेके जीरो से लेके टी, बहुत बढ़िया। डीएन अपॉन एन, मॉड वॉड नहीं लगाना है, केमिस्ट्री फिजिक्स जेल नहीं पाएगी, ठीक है। सीधा डीएन अपॉन एन, दैट इज एल एन एन, और ये आपका एन नॉट जो लोअर लिमिट है ये अपर, और माइनस लैम्डा ये वाला हो जाएगा टी, और ये जीरो से लेके टी, बस काम खत्म। इसके आगे संभाल लोगे कि और किसी को बुलाए, मतलब दो लोग तो आ गए हैं। हाँ, ये यार, ये जिस हिसाब से लिख के लाए हैं, टेक्निकल लैंग्वेज, ये वही समझा सकते हैं। लो सर, ये क्योंकि मेरे को खुद की अंग्रेजी में नहीं लिख पाऊंगा, तो पहले से लिख के लाया हूँ। ये खुद की अंग्रेजी नहीं लिख पाएंगे ना, तो पहले से लिख लेते हैं, समझा देंगे हम क्या कह रहा है ये हमारे पास। तो भाई, अब आ गई है हमारे पास केमिस्ट्री भी आ चुकी है, मैथ्स भी आ चुकी है, तो अब फिजिक्स की बारी। आज आज लास्ट क्लास थी मेरी, तो सर घूम रहे थे, मैंने कहा सर आप ही पढ़ा दो थोड़ा सा। सर की भी क्लास चल रही थी, सर बीच में से आ गए यार। ठीक है, राइट राइट राइट, चलिए ओके। तो ठीक है, बच्चे, हाँ कल आज जैसे राजवंत सर है, फुलन आगे ही मानेंगे, कल अपन लोग क्या है, दो क्लास लेंगे। मेरे वो पॉलीमर एवरीडे लाइफ, बच्चे मैं करा दूंगा। रिफंड तो अब 1-2 रुपए का ही बचा होगा, कितना ही देंगे, सारा तो पढ़ा दिया हम लोगों ने, 1-2 रुपए का हिसाब देना है। या चैप्टर सर छोड़ दो, 1-1 रुपए वापस कर देते हैं इनके। चलो ठीक है, ओके।